पे लग रहा है कोई नया आरोप नहीं है। उसके बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर लोग निकल कर के आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसके साथ साथ सदन में भी गिनती किस दल की ज़्यादा है, किस दल की कम होगी, इससे चुनाव के परिणाम आने से असर पड़ेगा। कई ऐसे मामले हैं जो लोकतंत्र में अपनी ताकत पर उनको एक सदन में पास कर रहे हैं। अगर दूसरा सदन कोई है जो रोक सकता है, बहस कर सकता है, तो वो अपर हाउस है। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने वोट डाल लिया है, जो आने वाले समय में डालने जा रहे हैं, लोकतंत्र और मजबूत हो, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी हो, अपनी पसंद और लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को जो सुरक्षित रख सके, उस दल को जरूर वोट करें। और मुझे उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान हो रहा है। 11 जो सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें कितनी संभावना है? सीटें जीती थी क्योंकि बहुत गिनती का चुनाव है और कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं, उसके बावजूद भी पार्टी जीतेगी, पहले से ज़्यादा पार्टी जीतेगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, बहकावे में आया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हमारा पेट भर रहा है और जिसका बेटा सेवा कर रहा है या सीमा की रक्षा कर रहा है, हमारा किसान अगर दुखी हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, तो वह केवल किसान कमजोर नहीं हो रहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और साथ ही साथ जो पारिवारिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। मुझे याद है कि महोबा जिले में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और लगातार ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बड़े लोगों को लाभ पहुंच जाए। अब मंडी में क्या व्यवस्था बना पाएंगे सरकार के, नहीं बना पाएंगे? दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह के कानून अब लागू हो जाएंगे, किसान को कहां समर्थन मूल्य मिलेगा? सरकार ने जो कीमत तय की है, आप मुझसे नहीं, लाइन में जितने लोग लगे, सड़क पे जितने किसान दिखाई दें या गरीब दिखाई दे, उससे पूछिए कि क्या उसको धान का पैसा सही मिला जो सरकार ने निर्धारित किया था? एक भी किसान हमें बता दो जिसको धान की सही कीमत मिली हो। मक्का क्या तय थी फसल कीमत और क्या मिला? इसलिए किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज हैं, किसानों की मदद होनी चाहिए, किसानों के पक्ष में फैसले होने चाहिए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अगर किसान को समर्थन मूल्य चाहिए और अपनी आय दोगुनी अगर करनी है तो वो कहाँ जाए, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के अपना धान मक्का और फसल लेकर जाए। भाजपा के नेता तो उनको खालिस्तानी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बता रहे हैं उन किसानों को। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, वो दिन को भी अंधेरा बोल सकते हैं। अगर दिल्ली से ये बात तय हो जाए कि सुबह आपको ये कहना है कि अंधेरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब अंधेरा कहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, वो ट्रेंड झूठ बोलने वाले लोग हैं।